नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ रोजी अली। कहने को तो दुनिया गोल है, लेकिन जिस तरह से लोग इस दुनिया में देखने को मिलते हैं उनके बारे में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हर रोज हम सभी के सामने कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर आ जाती हैं जिसपे विश्वास करना बेहद मुश्किल होता है और वो अक्सर चौंका देती हैं। आज हम आपको जिस अजीब परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे दुनिया में ऐसा भी होता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दुनिया में एक ऐसी जनजाति है जो शादी से पहले बच्चे पैदा करती है और बच्चे पैदा होने के बाद ही शादी करती है। इसे सुनकर आपको हैरानी तो हो रही होगी, इसके साथ ही आपके मन में एक बात ये भी चल रही होगी कि ऐसा तो होता ही रहता है। अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि समुदाय में तब तक किसी की भी शादी नहीं होती जब तक वो शादी से पहले बच्चे पैदा नहीं कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश के राजस्थान राज्य में मानी जाती है। भारत में इस तरह के रिवाज को सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी, क्योंकि हमारा देश का इतिहास बेहद सभ्य रहा है। ऐसे में शादी से पहले बच्चे पैदा करना यहाँ की परंपरा के बेहद खिलाफ और शर्मनाक माना जाता है। राजस्थान के उदयपुर के सिरोही और पाली में रहने वाली गरासिया जनजाति इस अजीब परंपरा का निर्वाहन करती है। इस परंपरा में लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं और अपनी मर्जी से वो साथ रहते हैं और तब तक शादी नहीं करते जब तक कि उनका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। इस परंपरा को पूरे राजस्थान में दापा प्रदा के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे काफी दिलचस्प कहानी भी सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि काफी सालों पहले यहाँ पर चार भाई रहा करते थे, जिनमें से तीन भाइयों की शादी हो गई थी और एक बिना शादी के ही किसी लड़की के साथ रहता था। जिन तीन भाइयों की शादी हुई थी उनमें से किसी की भी संतान नहीं हुई, बल्कि जो शादी के बिना लड़की के साथ रहता था उसका बच्चा हो गया। यहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चा पैदा होने से वंश पड़ता है, इसीलिए जिसका भी शादी से पहले बच्चा होगा उसकी शादी करा दी जाती है और जिसका नहीं होगा उसकी शादी नहीं होती है। कई बार तो बूढ़े बूढ़े लोगों के बच्चे उनकी शादी में शामिल होते हैं। इस परंपरा को मानने वालों का कहना है कि संतान उनके लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए वो इस रस्म को मानते हैं। भारत में इस अजीब परंपरा को मानने वाले इन लोगों के बारे में जानने के लिए देश के कई हिस्सों से और दुनिया के कई लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के बच्चे अक्सर अपने माता पिता की शादी में शामिल होने का अनुभव आपको शेयर करते हुए मिल जाएंगे। वो बच्चे अपने आप को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं।